दोस्तों आज हम बात करेंगे पांच ऐसे पौधों के बारे में जो हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे बढ़िया हैं और जिनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होती है, रॉकेट की स्पीड से बढ़ने वाले प्लांट हैं ये, और जिनकी कटिंग्स बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। कटिंग से मैंने कितने प्लांट्स बनाए इनके वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगी। दोस्तों हैंगिंग प्लांट्स तो बहुत सारे और बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ पांच ऐसे प्लांट बताऊंगी जो मेरी बालकनी में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आप भी इनको लगाइए, बहुत ही तेज़ इनकी ग्रोथ होती है और बहुत सुंदर भी लगते हैं। हैंगिंग बास्केट हम कम जगह में भी टांग सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है वेंडरिंग चू। वेंडरिंग चू बहुत ही कलरफुल प्लांट है और ये छोटी से छोटी कटिंग से भी लग जाता है। अगर आपके यहाँ ना हो, कहीं आपके किसी फ्रेंड के यहाँ आपको मिल जाए तो वहाँ से आप कटिंग ला सकते हैं। इसकी कटिंग एक दो दिन तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। इसकी कटिंग को अगर हम पानी में रख देते हैं तो दो से तीन दिन में ही इसमें जड़ें बन जाती हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी ये प्लांट एक हफ्ते के अंदर ही चलना स्टार्ट हो जाता है। ये प्लांट मैंने देखिए कटिंग से ही लगाया था, मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट था पहले, उसी से मेरे पास अब 5-7 प्लांट हो गए हैं और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी तेज़ हो रही है। ये 2-2.5 महीने पहले लगाया था। इसके हर एक नोड एरिया के पीछे रूट्स होती हैं तो इसको लगाना बहुत ही आसान है कटिंग से। मैंने वीडियो भी डाला है अभी थोड़े दिन पहले, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कटिंग्स, वो अभी एक महीने के अंदर कितनी बड़ी हो गई हैं। ये वाली कटिंग अभी मैंने 15-20 दिन पहले ऐसे ही चलते चलते इस गमले में लगा दी थी। देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेस निकल गई हैं और ये कितनी लंबी हो गई है। तो ऐसे भी किसी भी गमले में आप टांग दीजिए, उसी में ये चल जाएगी और बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए छोटे छोटे ग्लास जिनमें मैंने अभी उससे थोड़े दिन पहले लगाई थी कटिंग्स, इसका वीडियो भी शेयर किया था, इनमें भी इतनी लंबी लंबी हो रही हैं कि इसको ज़्यादा गहरे पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। और ये अभी जो लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था कटिंग का, उसमें मैंने दिखाया था, देखिए इसकी पॉट की जो ऊंचाई है कितनी कम है और इतने कम गहराई वाले पॉट में भी इसमें कितने अच्छे से कटिंग सारी चल गई हैं। अभी चाहे तो हम इन्हें निकाल के किसी बास्केट में लगा सकते हैं तो बहुत सुंदर हमारी एक बास्केट तैयार हो जाएगी। तो कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है, बहुत ही सुंदर तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है। दूसरा प्लांट जो मुझे लगता है कि मेरी बालकनी में सबसे अच्छे से चल रहा है वो है टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट भी बहुत ही सुंदर हैंगिंग प्लांट है और कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है। छोटी से छोटी कटिंग ऐसे ही लगा दीजिए नॉर्मली, बस चल जाती है एक हफ्ते के अंदर और बहुत ही जल्दी ये हैंग करने लगती है। बस कुछ भी नहीं करना है हमें, डेली स्प्रे करें प्लांट पर, पानी बहुत ही कम चाहिए इन सभी में। जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही आप पानी दीजिए तो ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे और कटिंग से बहुत आसानी से आप 1 से 2, 2 से 4 बना सकते हैं। इसकी भी काफ़ी कटिंग्स मैंने लगा रखी हैं, इस हैंगिंग पॉट में लगाई थी अभी कुछ दिन पहले, तो देखिए इसमें चल रही है सारी कटिंग और कितनी लंबी भी हो गई है एक ब्रांच। तो ये प्लांट ऐसे हैं दोस्तों जिनको आप चलते फिरते भी किसी भी गमले में लगा देंगे तो ये वहीं चलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए और सुंदर कितने लगते हैं कि कहीं भी किसी भी विंडो पर या फिर बालकनी में कहीं भी हम इनको टांग सकते हैं और हैंगिंग बास्केट से हमारा गार्डन और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। ये बास्केट एक मैंने इसकी तैयार की थी, कितनी पूरी भर चुकी है और अभी बस थोड़े दिन में ये लटकना शुरू हो जाएगी। तो टेंगल हार्ट का प्लांट आप ज़रूर लगाइए, अगर आपको कहीं कटिंग मिले तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं, इसकी बहुत आसानी से चल जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट चाहे किसी भी वैरायटी का हो बहुत ही आसानी से कटिंग से चल जाता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है अगर इसको सही चीज़ें मिल जाएं तो। मेरी बालकनी में भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं मनी प्लांट, इंडोर भी लगा रखे हैं मैंने, सब कटिंग से ही ज़्यादा बनाए हुए हैं। बस एक बार मैं लेकर आती हूँ कोई नई वैरायटी और फिर उसी से काफ़ी प्लांट बना लेती हूँ। तो कटिंग से ये प्लांट एक हफ्ते के अंदर ही चलना स्टार्ट हो जाता है और अगर हम स्प्रे करते रहें, इस पर रेगुलरली पानी चेक कर कर दें तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये प्लांट तो ज़्यादातर सभी ने लगा रखा होगा। ये सब देखिए, ये वाली बास्केट भी मेरी कटिंग से बनाई है, ये वाली मैंने कटिंग लगा रखी है। तो कटिंग्स खूब सारी लगाई है इनकी, जितनी आप कटिंग्स लगाएंगे उतने ही आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट हो जाएंगे, आप कहीं भी आप रख सकते हैं इनको। ये
मनी प्लांट भी आप छोटे बड़े किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, ये तो ऐसा प्लांट है। पानी में भी आप इसको लगा के रख सकते हैं। एक प्लांट है जो बहुत ही तेज़ी से मेरी बालकनी में बढ़ रहा है और जिसको मैंने ख़रीदा भी नहीं है, बाहर से इसकी कटिंग लेकर आई थी। ये है पर्पल हार्ट। ये प्लांट भी बहुत ही तेज़ बड़ा हुआ है। इसकी दो कटिंग मैं नीचे घूम रही थी तो वहीं से मैं लेकर आई थी और मैंने इस बास्केट में लगा दी थी। अभी ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई हैं, मैंने इसकी कटिंग नहीं की। अगर हम इसको कट करते रहें तो ये काफ़ी घना हो जाता है। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा कट करूँगी और इसकी बास्केट्स बनाऊँगी। तो इसको मैंने सिर्फ दो कटिंग ऐसे ही इस बास्केट में लगा दी थी, तो ये दो तो देखिए कितनी लंबी लंबी हो गई हैं जो दोनों तरफ लटक रही हैं। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकल गई हैं। इसमें फूल भी खिलते हैं कि काफ़ी सारे, इसमें ज़्यादातर फूल खिलते रहते हैं रोज़। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है प्लांट। अगर हम अपने ग्रीन प्लांट के बीच में ये पर्पल प्लांट लगाएं तो बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देता है और कटिंग से आसानी से चल जाता है और बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ता है। यह है टर्टल वाइन। इसकी भी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसकी छोटी सी कटिंग भी किसी में लगा दें तो बहुत ही जल्दी एक महीने के अंदर ही वो लटकना शुरू हो जाती है। बहुत ही बढ़िया हैंगिंग प्लांट है। इसमें एक जो पिंक वाला आता है वो भी ऐसे ही बिल्कुल बहुत जल्दी कटिंग से चल जाता है, लेकिन उसको थोड़ी धूप चाहिए। बिना धूप के वो प्लांट ख़राब हो जाता है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए इसको, लाइट में अच्छे से चलता है और बहुत ही बढ़िया सुंदर हैंगिंग प्लांट है। इसकी कटिंग भी छोटी से छोटी आराम से चल जाती है। इसकी भी काफ़ी कटिंग्स मैंने लगा रखी हैं। ये हैंगिंग पॉट्स मेरे छोटे छोटे से खाली थे, इनमें मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग एक महीने पहले ही कटिंग लगाई है और ग्रोथ देखिए आप कितनी तेज़ इनकी हुई है, कितनी लंबी लंबी इनकी ब्रांचेस लटक गई हैं। इतनी अच्छी तो ग्रोथ बास्केट में भी नहीं हो रही है जितनी इनमें हुई है। बहुत ही सुंदर लगती है। छोटे पॉट में इनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती है, इनको ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये दूसरा पॉट है, दोनों एक साथ ही लगाए थे, कितनी लंबी लंबी हो रही है इनमें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम ग्रोथ करते हैं, स्लो स्लो बढ़ते हैं, और कुछ बहुत ही तेज ग्रोथ करते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं और सभी कटिंग से चल जाते हैं। इनकी हम खूब सारी कटिंग्स लगा के बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और जहाँ भी अच्छी लाइट आती हो वहाँ पर रख सकते हैं, टांग सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।